शिजान को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। आरोपी शिजान की वसई कोर्ट में पेशी है। शिजान की रिमांड आज खत्म हो रही है और उसे अदालत लेकर के पहुंची है पुलिस। तुनिशा शर्मा एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने खुदकुशी कर ली और अपने सीरियल के सेट पर ही खुदकुशी की। इस मामले में उनके को स्टार शिजान को मुख्य आरोपी बनाया गया है और शिजान की आज रिमांड अवधि खत्म हो रही है। अदालत में उसे पेश किया जा रहा है। इस मामले में तुनिशा के परिवार ने शिजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ हत्या किए जाने की आशंका भी जताई है। इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। शिजान को लेकर के अदालत पहुंची है। तुनिशा का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। 20 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली और इस डेथ मिस्ट्री का जो पासवर्ड है वो उसके फोन में छिपा हुआ है जिसे अनलॉक कर लिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है कि तुनिशा का मोबाइल फोन अनलॉक कर लिया गया है और आज शिजान की रिमांड खत्म हो रही है, उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। मुंबई पुलिस अब तुनिशा का चैट रिट्रीव करने की कोशिश में जुट गई है। बड़ी खबर, तुनिशा सुसाइड केस में सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का आया है। मुंबई पुलिस ने तुनिशा का मोबाइल अनलॉक कर लिया है। मुंबई पुलिस ने तुनिशा का मोबाइल अनलॉक करके बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब तुनिशा का चैट रिट्रीव करने की कोशिश में जुट गई है पुलिस। चैट रिट्रीव होने से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि तुनिशा की मां ने आरोप लगाया था कि शिजान के कई लड़कियों से संबंध है जिसकी जानकारी तुनिशा को थी। इसके बाद तुनिशा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हमारे सहयोगी येशा कोटक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। येशा, तुनिशा का मोबाइल फोन अनलॉक होना एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। जी बिल्कुल चंदन, तुनिशा का मोबाइल जो है क्योंकि आईफोन था यानी कि एप्पल का था, तो एप्पल कंपनी के संपर्क में वाले पुलिस स्टेशन ने किया। यहाँ तक कि जो एप्पल की कंपनी के लोग हैं वो वाले पुलिस स्टेशन पहुँचे थे और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ये अनलॉक किया गया था तुनिशा का फ़ोन। जहाँ हम तुनिशा और शिजान की रिलेशनशिप की बात करें तो एक तरफ जहाँ शिजान का चैट ऑलरेडी एक्सेस किया गया है, यहाँ तक कि शिजान का उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ क्या चैटिंग हो रही थी उसकी भी एक्सेस की गई थी। लेकिन अब जो है पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है चैट्स के अलावा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चैट्स तो अब तुनिशा के मिल ही जाएंगे, तुनिशा और शिजान के बीच में क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्योंकि तुनिशा काफ़ी सेंसिटिव थी और ये बात शिजान को पता थी कि शिजान को ये बात पता थी तो वो तुनिशा को कैसे मैनिपुलेट करता था, इस बारे में भी अब जो है पुलिस जांच कर रही है। जी। अगर बात की जाए तुनिशा के फोन को अनलॉक करने के बाद चैट रिट्रीव करने की, तो क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कब तक ये चैट रिट्रीव हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डेथ मिस्ट्री के जो राज हैं उस चैट में दफन हो सकते हैं। जी बिल्कुल चंदन, अब हम जैसे चैट देखते तो हो चुकी है और शिजान को फोन जो है एक्सेस हो चुका है और शिजान को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो पुलिस ने चैट रिट्रीव करने की प्रोसेस शुरू कर दी है क्योंकि ये डेटा काफ़ी बड़ा है तो 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डिटेल्स मिल रही है फ़ोन से वो पुलिस ऑलरेडी खंगाल रही है, पुलिस चेक कर रही है और यही जो आधार है इसी आधार पे पुलिस शिजान की कस्टडी मांग रही थी। कल भी जब शिजान को प्रोड्यूस किया गया था तो एक और दिन की कस्टडी थी कोर्ट ने, जहाँ हम समझे कि पिछले शनिवार को ही तुनिशा ने अपनी जान ले ली थी और रविवार को जो है शिजान को कोर्ट में पेश किया गया था, तो तकरीबन 7 दिन की कस्टडी पुलिस को ऑलरेडी मिल चुकी है। आज जब कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा शिजान को तो जो डेटा मिला है फ़ोन से वही आधार बनेगा ताकि पुलिस आगे जाके शिजान के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके बारे में बात कर सके। जहाँ शिजान और तुनिशा के चैट्स की बात करें तो वो भी पूरे जो लंबी चैट्स है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और जिसमें जो है एक से दो दिन और लग सकते हैं। जी अगर बात की जाए शिजान की तो क्या वो जांच में सहयोग कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में ये पता चला था येशा कि शिजान अपने बयान बदल रहा था, जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। जी बिल्कुल चंदन, अभी भी हम देख रहे हैं कि शिजान का स्टैंड वही है, वो जो पुलिस को है घुमा फिरा के जवाब देता है, यहाँ तक कि कोई एक लाइन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की पुलिस को नहीं मिल पा रही है, इसीलिए पुलिस जो है अलग अलग लोग से जानकारी ले रही है, भले फिर वो शिजान की गर्लफ्रेंड हो गई या फिर शिजान के परिवार वाले हो गए, शिजान के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा सकती है।
ये बात भी सामने आई है। लेकिन जहाँ हम शिजान की बात करें तो उसने ऐसे कई गुमराह करने वाले स्टेटमेंट्स दिए, यहाँ तक कि ये तक उसने कहा था कि उसने तुनिशा से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब का जो मामला है वो गरमाया हुआ था। जी चंदन, बिल्कुल यशा, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी हुई। वसई कोर्ट पहुंचा है तुनिशा का परिवार। वकील के साथ वसई कोर्ट पहुंचे हैं तुनिशा के मामा पवन शर्मा। तुनिशा का परिवार, जो कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, इस मामले में शिजान को सीधे सीधे गुनहगार बता रहा है और न सिर्फ खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बता रहा है बल्कि साथ ही साथ ये आशंका भी जता रहा है कि शिजान ने हत्या की हो सकती है। वसई की अदालत पहुंचा है तुनिशा का परिवार। तुनिशा के परिवार ने उसके खुदकुशी के बाद शिजान खान पर आरोप लगाया था कि उसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया, वही गुनहगार है। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस की गुत्थी कब सुलझेगी, कब तुनिशा को इंसाफ मिलेगा, कब तुनिशा की मां के आरोपों की जांच होगी, कब शिजान पर लगे आरोप सिद्ध होंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जो तुनिशा सुसाइड केस को लेकर लोगों में गूंज रहे हैं। तुनिशा सुसाइड केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी मां आरोप लगाती है कि शिजान और उसका परिवार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, तो कभी तुनिशा के साथ साथ काम करने वाले लोग भी शिजान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शिजान पुलिस कस्टडी में बार बार अपने जवाबों को बदल रहा है। क्या शिजान माइंड गेम खेल रहा है? क्या शिजान जो कुछ कह रहा है वही सच है, या फिर तुनिशा की मां के आरोप सच है? पुलिस इन्हीं तथ्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अफसरों की टीम लगातार शिजान से सवाल जवाब कर रही है, लेकिन अब तक इस केस में कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इस केस में पुलिस लगातार सबूतों को तलाश रही है, लेकिन अभी तक जांच सही दिशा तक नहीं पहुंच पाई है। इस बीच तुनिशा शर्मा की मां विनीता शर्मा ने नए सिरे से सनसनीखेज दावे किए हैं। उनके मुताबिक शिजान तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था। शिजान के और भी लड़कियों के साथ संबंध थे। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। इसके अलावा तुनिशा की मां का कहना है कि तुनिशा ने शिजान को धोखा दिया। शिजान ने शादी का वादा किया था। सीरियल के सेट पर शिजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था। शिजान के किसी और लड़की से संबंध थे। तुनिशा की मां ने शिजान को कड़ी सजा देने की मांग की है। शिजान के परिवार को तुनिशा के संबंधों की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक तुनिशा सुसाइड केस में आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री सुलझान में पुलिस जुटी हुई है। मामले की पूरी जांच इन्हीं आखिरी मिनट पर टिकी है। 24 दिसंबर की दोपहर खुदकुशी से ठीक पहले तुनिशा शिजान दोनों एक साथ लंच कर रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने तुरंत आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठा लिया? तुनिशा के परिवार के मुताबिक खुदकुशी से 15 दिन पहले शिजान से उसका ब्रेकअप हुआ था। मुंबई से यशा कोटक और अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया। तो परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं शिजान पर कि उसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया, उसका बर्ताव तुनिशा के साथ काफी बुरा था। इन तमाम खबरों पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यशा कोटक। यशा, अगर परिवार की बात की जाए तो तुनिशा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और काफी गंभीर आरोप शिजान पर लगाए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल चंदन, हम देख रहे हैं कि पहले ही दिन से तुनिशा का जो परिवार है, फिर उसकी माँ हो गई या उसके मामा हो गए, वो यही कह रहे हैं कि तुनिशा की मौत का जो जिम्मेदार है वो शिजान है। उसने जब वो तुनिशा के साथ था, वो ना ही तुनिशा को लेकिन किसी और एक लड़की को भी डेट करा था, यहाँ तक कि उसने
तुनिशा से वादा किया था शादी करने का, उसे बहला फुसला कर उसे कन्विंस करता था। और क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद भी जो है शीजान तुनिशा से बार बार सेट पे आके बात करता था, उससे दूर नहीं रहता था, इसीलिए तुनिशा जो है मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब हमने देखा कि तुनिशा की माँ का भी ये आरोप है कि शीजान जो है उसे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता था। हम देख रहे हैं कैसे कई फोटोज़ भी सामने आए थे तुनिशा के, जब वो हिजाब पहन रही थी और शीजान के साथ जा रही थी, तो तुनिशा जो है वो शीजान के साथ लगातार थी, यहाँ तक कि शूट पे भी वो लोग पूरा टाइम साथ में रहते थे। इसीलिए ब्रेकअप के बाद, यानी कि शीजान और तुनिशा के ब्रेकअप के बाद, तुनिशा को काफ़ी एक धक्का लगा था। 15 दिन हो चुके थे उनके ब्रेकअप को, लेकिन उसके बाद भी वो तुनिशा को मूव ऑन करने का मौका नहीं दे रहे थे। यही आरोप है जो फैमिली बार बार लगा रही है, और पुलिस भी इसी आरोप पे जो है जांच कर रही है। यहाँ तक कि ये जो लिंक है उसके बारे में बिल्कुल। यशा, अगर बात की जाए तुनिशा के परिवार की ओर से शीजान पर क्या आरोप लगाए हैं कि किस तरह से तुनिशा को शीजान ने धोखा दिया, सुनाते हैं आपको। मेरे को ये कहना है कि शीजान को जब तक सजा नहीं मिलती, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शीजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की दोनों का था, आना जाना भी घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया, मम्मा मेरे को शीजान से है और शीजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शीजान खुद। जब तेरा किसी, मैंने फिर मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शीजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शीजान से बात की, मैं कह शीजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं करना कर सकता, जो करना करो। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मेरे को तुनिशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शीजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इससे ज्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं तुनिशा के माँ ने, नशा करता था, तुनिशा को धोखा दे रहा था, तुनिशा का धर्म परिवर्तन करने की भी बात करता था। ये तमाम आरोप बेहद गंभीर हैं, और इन्हीं गंभीर आरोपों के आधार पर शीजान की पुलिस कस्टडी और बढ़ाने की पुलिस मांग कर सकती है, क्योंकि पुलिस के हाथ कई चैट लगे हैं और इन चैट्स के जरिए तुनिशा की डेथ मिस्ट्री के सुलझने की उम्मीद है, और इसको लेकर के जांच अभी चल रही है। तुनिशा शर्मा 20 साल की अभिनेत्री, एक जिंदा दिल लड़की जिसने की सेट पर ही खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी से पहले बेहद सामान्य दिख रही थी। उसका जो लास्ट वीडियो सामने आया था उसमें भी मस्ती मजाक करती नजर आ रही थी अपने साथियों के साथ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो फंदे पर लटकी हुई पाई गई। और इस सुसाइड के पीछे क्या वजह है, इसकी तलाश कर रही है पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, शीजान को पता था कि तुनिशा परेशान है, सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है। तुनिशा की बीमारी की शीजान को जानकारी थी, शीजान के कई लड़कियों से अफेयर होने की बात भी सामने आ रही है, शीजान की चैट से कई लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। 24 दिसंबर को शीजान और तुनिशा के बीच बहस भी हुई थी, बहस के बाद ही तुनिशा ने सुसाइड किया। शीजान ने अपनी जो मिस्ट्री गर्लफ्रेंड थी उसके साथ हुई चैट को डिलीट कर दिया, सीक्रेट गर्लफ्रेंड से लगातार संपर्क में था, और यही तुनिशा और शीजान के बीच तकरार की बड़ी वजह बना था। यशा हमारे साथ बनी हुई है लगातार। यशा, तुनिशा के साथ बेवफाई कर रहा था शीजान, उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था, और उसके साथ बदसलूकी करता था, मारपीट भी की थी, ऐसे आरोप लगाए हैं परिवार ने। जी चंदन, और पुलिस जो है इन आरोपों पे जांच भी कर रही है, क्योंकि
तुनिशा के परिवार ने दो बार जो है पुलिस के पास जाके ये स्टेटमेंट लिखा है। यहाँ तक कि जो शीजारी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ हम ये बात करें कि शिजान जो है तुनिशा को कैसे मैनिपुलेट करता था उसकी भी जांच पुलिस कर रही है, क्योंकि शिजान को जो है तुनिशा की कंडीशन के बारे में पता था, उसे पता था कि वो डिप्रेस्ड है, ब्रेकअप के बाद तुनिशा पे क्या बीत रही थी, उस सब के बारे में शिजान को पता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि शिजान जो है तुनिशा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था और वो उसी लाइन पे जांच भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शिजान की बात करें तो फिलहाल क्योंकि शिजान को कोर्ट में पेश किया गया। तुनिशा की मां ने शिजान के परिवार पर भी आरोप लगाए हैं, उसकी मां को, उसकी बहन का जिक्र किया है। क्या इस बारे में तो शिजान के परिवार की ओर से भी कोई सफाई दी गई है? शिजान के परिवार वालों की जहां हम बात करें तो उन्होंने तो ये कह दिया कि उन्हें अपनी जो प्राइवेसी है वो भंग नहीं करनी है, उन्हें जब सही लगे तब वो आके खुद बात करेंगे। क्योंकि शिजान का जो परिवार है उन्हें भी कई बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। फिलहाल शिजान के परिवार की बात करें तो शिजान का परिवार भी कोर्ट में मौजूद है, तुनिशा के मामा भी कोर्ट में मौजूद है और शिजान भी कोर्ट में मौजूद है। लेकिन शिजान के परिवार से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस बारे में। यहाँ तक कि ये तो ज़रूर है कि शिजान के परिवार को ज़रूर पता था कि तुनिशा और शिजान के बीच में क्या हो रहा है। इसके अलावा शिजान के परिवार जो है तुनिशा के अंतिम संस्कार में भी पहुँचा था, लेकिन ये बात ज़रूर होती है कि इतना सब होने के बावजूद शिजान का परिवार चुप क्यों है। जहाँ तुनिशा की मां ने ये गंभीर आरोप लगाए लेकिन शिजान के परिवार से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्हें क्या पता था इसके बारे में। ये तो बात ज़रूर है कि दोनों के परिवार को इन लोग के रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर पता था। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए यशा। तो एक और शिजान की कोर्ट में पेशी की जा रही है, तुनिशा का परिवार भी वहां मौजूद है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।